ओम शांति। 25 अक्टूबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है ये सबका फोकस तो रहता है पूरे जीवन भर में, लेकिन संतुष्ट करना है और वो इस पर क्वेश्चन मार्क आता है। और आज इसी चीज़ के बारे में परमात्मा हमें सिखाते हैं इस वरदान में कि संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तखत प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भवा। भविष्य में सत्युग, सत्युग में आपका जो गवर्नमेंट होगी वो राज्य भाग्य वाली गवर्नमेंट होगी, जिसमें कि जो राजा होगा वही गवर्निंग बॉडी क्रिएट करेगा और जो राजा होगा वही राज्य करेगा जब वो औरों को संतुष्ट बना पाएगा। लेकिन उसके राज्य में प्रजा कौन होगी जो कि इस संगम युग पर उसके साथ में संतुष्ट हैं या संतुष्ट थीं? तो ऐसा तो नहीं कि वहां पर जो गया वहां पर और जबरदस्ती राज्य उठा लिया और लोगों को माननी पड़ी उसकी बात। नहीं, वो प्यार से, वो दिल से और वो संगम युग में एक जन्म पहले, उस सत्युग राज्य में जाने से एक जन्म पहले, मतलब कलयुग के अंत संगम युग में वह सत्युग की प्रिपरेशन कर रही होगी आत्मा। कैसे? तो संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। खुद भी संतुष्ट तब जाकर और को भी संतुष्ट, लेकिन जो कंप्लेन करते हैं, खुद संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो और को भी असंतुष्ट बना देते हैं। तो हमें पहले अपने आप से, समय से, ड्रामा से, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है हर एक की लाइफ में, वो सब कुछ मुझे उस तरीके से समझ करके आगे बढ़ना है। क्यों, क्या, क्यों नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम खुद संतुष्ट नहीं और को भी हम परेशान करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ कि मुझे संतुष्ट रहना है और को संतुष्ट करना है। ये प्रैक्टिस हो मेडिटेशन में, जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ। मस्तक के बोर्ड पर एक तो होता है जो टीचर्स का बोर्ड होता है, लेकिन मस्तक का बोर्ड मतलब कि ब्लैंक ब्लैक है, उसके ऊपर आप लिख रहे हो कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, आई एम ग्रेटफुल, मेरे पास हर चीज़ है, तो मुझे कंप्लेन क्या करनी है बस। तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है, वो क्यों क्या के क्वेश्चन में फंसता नहीं है, प्रश्न नहीं, प्रसन्न रहता है। लेकिन जो क्यों क्या कैसे के प्रश्न में फंसा रहता है वो ना खुद संतुष्ट, औरों के जीवन में भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता, औरों के साथ संतुष्ट नहीं हो पाता, औरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता, औरों को भी परेशान कर देता है। तो ये सीखना कैसे है, इसके लिए हमें ड्रामा के पट्टे पर चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, इसके पट्टे पर चलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ समय पर होती है, समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को कुछ मिलेगा, ये भी समझ करके चलना है हमें। तो जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, ये सब कुछ सिखाया था ब्रह्म कुमारीज में, लेकिन इसके लिए और गहरा ज्ञान आप आपके आकर ले, तब जाके आपको इन बातों की गहराई समझ आएगी कि क्यों जो हो रहा अच्छा हो रहा है, क्यों जो होगा अच्छा होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, ये भी सिखाया था ब्रह्म कुमारीज में। ओम शांति के साथ।